बंटी क्यों हमें कागज के रॉकेट मार रहे हो? मैंने कब रॉकेट मारा? क्या सबूत है तुम्हारे पास? दोस्तों, किसी ने देखा कि मैंने इमली और वीर को रॉकेट मारा? हाँ? नहीं, 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 हमने तो हमने नहीं देखा, मैंने नहीं मारा, किसी ने देखा क्या? नहीं देखा। ठीक है बच्चू, अब तुम्हारे साथ जो होगा वो भी इमली और वीर के सिवा कोई नहीं देखेगा। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। वो तुम्हें तंग कर रहा था और ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। जाओ, तुम ही उसे वापस ले आओ, मैं नहीं लाऊंगा। रोबो बॉय सूट ऑन। रोबो बॉय सूट ऑन। तुम यहाँ कैसे? स्टूडेंट्स, इस हफ्ते जो भी सबसे अच्छा काम करेगा उसे स्टूडेंट ऑफ द वीक की ट्रॉफी दी जाएगी। अच्छे काम से मतलब है दूसरों की मदद करना, कोई गलत काम नहीं करना, समझे? यस सर। स्टूडेंट ऑफ द वीक की ट्रॉफी तो मैं ही जीत के रहूंगा। सुनो मेरा प्लान, मैं ये केले के छिलके कॉरिडोर में फेंक दूंगा, तुम दोनों सामने से आके उस पर फिसलना और काफी दूर फिसलने की एक्टिंग करना, फिर मैं तुम दोनों को पकड़ के बचा लूंगा और मुझे इस अच्छे काम के लिए स्टूडेंट ऑफ द वीक बनाया जा सकता है। हाँ तो मिस्टर कक्कड़, आप ध्यान रखिए कि सारा इंतजाम अच्छे से। ये क्या हुआ उनको? वो लोग तो स्किट कर रहे हैं और आगे कॉरिडोर के एंड में सीढ़ियाँ हैं, उनको रोकना होगा। वीर बेटा ये लो। यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस तरह हमें बचा लोगे। थैंक यू वीर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वीर, तुमने रोका नहीं होता तो हम नीचे ही गिर जाते। बंटी, वीर को थैंक्स नहीं बोलोगे? हाँ, थैंक यू। यू आर वेलकम। आज मैंने ऐसा प्लान बनाया है कि सब मेरी तारीफ करेंगे। सुनो, कल मैंने एक डॉग ट्रेनर से बात की है, वो आज अपना डॉग यहाँ गेट से अंदर छोड़ देगा और वो डॉग सब स्टूडेंट्स पे भौंकेगा और उन्हें काटने के लिए दौड़ेगा। फिर तुम क्या करोगे बंटी? उसे इंग्लिश में जो भी बोलो वो सब समझ जाता है। मैं कहूँगा स्टॉप बॉकिंग, वो भौंकना बंद कर देगा, और मैं कहूँगा रन फ्रॉम हियर, और वो भागने लगेगा, और मैं चेस करूंगा और वो भाग के गेट के बाहर अपने मालिक के पास चला जाएगा और मुझे सब स्टूडेंट को बचाने के लिए बेस्ट स्टूडेंट की ट्रॉफी मिलेगी। मैं डॉग ट्रेनर से बात करने के लिए फोन लेकर आया हूँ। हेलो बंटी हियर। हेलो बंटी, मैं डॉग लेकर आ रहा हूँ। हाँ, मैं उसे गेट से अंदर छोड़ दूंगा, वो सब पे भौंकेगा और काटने भागेगा। डरना मत, वो काटता नहीं है, लेकिन याद रखना जो कहना उसे इंग्लिश में ही कहना, वो तुम्हारी हर बात मानेगा, उससे सिर्फ इंग्लिश ही आती है। ओके, जल्दी भेजो उसे, मैं बाहर स्कूल प्लेग्राउंड में ही हूँ। ओफो, ये कार तो स्टार्ट ही नहीं हो रही, किसी मैकेनिक को बुलाना होगा। सुनो,
तुम इसे अभी के अभी स्कूल ले जाओ। दिखाता हूँ अपनी बहादुरी। हे डॉग, स्टॉप बार्किंग। का टाप टाप चिल्लाता है रे? अब मेरी सुन। स्टॉप स्टॉप, रन रन। वो देखो, वो डॉग किसी के पीछे पड़ा है। मैं कहता हूँ छोड़ दो उसे। क्या कह रहा है? समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा मजा इसको भी चखा दूं। ये डॉगी, गुस्सा थूक दो। क्रूर मनुष्य का ही नहीं, डॉग का भी दुश्मन है। अभी बताता हूँ, क्रोध किसका दुश्मन है रे? मनुष्य का दुश्मन होगा रे। हड्डी मिल गई, छोड़ यार, इनसे क्या झगड़ा। प्लान मैं बनाता हूँ और क्रेडिट वीर ले जाता है। लेकिन इस बार मेरा प्लान कामयाब होगा। मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में जाके दरवाजा बंद कर लूंगा। तुम लोग प्रिंसिपल सर से कहना कि एक चोर आपके ऑफिस में चोरी करने आया है और बंटी उससे अंदर जाके लड़ रहा है। तुम अंदर से दरवाजा बंद करके फाइटिंग की एक्टिंग करोगे? शोर मचाओगे जैसे चोर से लड़ रहे हो? फिर मैं दरवाजा खोल के कहूँगा, चोर खिड़की से भाग गया। ये लो सब लोग अपने अपने बैग्स। ये प्लान परफेक्ट है। चलो चलो, असेंबली खत्म हो रही है। चोर सबके बैग चोरी करके आपके ऑफिस में भी चोरी करने गया है सर, और बंटी ने उसे देख लिया है। वो उसे लड़ने गया है सर, और दरवाजा अंदर से बंद है। अब हम क्या करें? चोर, चोर, पकड़ो। देखा सर, बंटी कितनी बहादुरी से लड़ रहा है। बचाओ, असली चोर है। क्या हुआ सर? वीर, एक चोर अंदर है, उसने बंटी को पकड़ लिया है। एक बच्चा ऐसे कैसे कर सकता है? मैं बच्चा नहीं, रोबोट हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आगे मत आना, मैं कह देता हूँ। कैसे हो सकता है? इसके हाथ लंबे हैं। Thank you.
जेल के दरवाजे खोल के रखो, मैं आ रहा हूँ। वीर, मुझे नहीं पता तुमने उसे कैसे डरा दिया, लेकिन तुमने आज स्कूल का सारा पैसा बचाकर बड़ा काम किया है और बंटी को भी चोर से बचाया। चलो ऑफिस चलो, मैं तुम्हें स्टूडेंट ऑफ द वीक की ट्रॉफी देना चाहता हूँ। नहीं 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 नहीं। अगर मेरा नाम अलग होगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा नाम क्या होगा? नहीं नहीं रे बाबा, सुनो कम दिमाग के, तुम्हें सिर्फ अपना काम बदलना है, नाम किधर? और नाम बदलने से तुम्हारा दिमाग थोड़ी चेंज होएगा। और हमको बस आर्टिफैक्ट चुराना है, पर इस बार वर्टेक्स के लिए नहीं, ट्राइड के लिए। ऐसा हुआ तो उनके गैंग का कैप्टन बनूंगा मैं। वाओ, तो फिर मैं क्या बनूंगा? कैप्टन का साइड किक। मुझे किक मारना बहुत पसंद है। मैक्रो, बच, मैक्स। धीरे चलो मैक्रो, कुछ तो स्टोरी बनाओ और नेचुरल दिखो रे बाबा। यही प्रार्थना करता हूँ कि ये मैक्रो कंफ्यूज होके कोई खेल ना बिगड़े। हट जाओ मेरे सामने से। स्पिन, हमें कुछ अजीब सी गड़बड़ दिख रही है 85.271 सेक्टर में। मुझे दिख गया, मैं उसका पीछा करता हूँ। अब मुझे वक्त नहीं रहा बाबा। बस पहुंच हुआ टिन के डिब्बे। स्पिन, रुक जाओ, तुमने जैमिंग जोन में प्रवेश किया है। कुछ ही नैनो साइकिल्स में सिग्नल जा सकता है। बॉच, अगर तुम सोचते हो कि तुम मुझसे गद्दारी करोगे, तुम्हें पकड़ लूंगा बॉच। सपना मत देख रे बाबा, क्या मैं जा रहा हूँ ना, वहाँ पुलिस वाले को परमिशन नहीं है। पेनी, जूगन शो के एरिया में जाना मना है, लेकिन क्रिमिनल को पकड़ने के लिए मुझे वहाँ जाना ही होगा। स्टेटस रिपोर्ट। रिपोर्ट बुरी है, स्पिन बॉच का पीछा कर रहा था और वो जूगन शाह जैमिंग जोन में चला गया। हमें स्पिन को अकेला छोड़ना चाहिए। पर अगर बॉच? स्पिन उसे संभाल लेगा, और वैसे भी अगर हम वहाँ बैकअप टीम भेजते हैं तो पक्का गड़बड़ होगी। तुम्हें तो पता है कि जूगन शाह को गुस्सा आता है जब हम उनकी जमीन पर पांव रखते हैं। इसीलिए तो मुझे चिंता हो रही है। वो कर क्या रहा है? अकेले छापा डालने जा रहा है। मैक्रो को साथ लो और ऑप्टिक ले आओ, क्योंकि बॉच वहाँ बिजी होगा। वो बिजी होगा? आपका कहने का मतलब है जूगन शाह उससे लड़ेंगे? उन्हें फाइट करने की कोई जरूरत नहीं, उनके पास अलग कई तरीके हैं। याद रहे, बॉच पहुँचने से पहले तुम्हें वो ऑप्टिक हासिल करना है। बहु, तुम्हें यहाँ आने की परमिशन किसने दी? कोई देखे उससे पहले ही मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। आजकल सपने बहुत देखते हो तुम। देखा, स्पिन ऑलवेज विंस। तुमने हमारे प्रार्थना स्थल में आने की हिम्मत कैसे की? यहाँ आने की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी, खतरनाक मिलेगी। पुलिस वाले कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं। सर देखिए, अब सब कुछ ठीक है, मैं सिर्फ इस क्रिमिनल को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। तुम पुलिस वाले हमारे एरिया में आए हो तो इसका मतलब तुम क्रिमिनल हो। तो तुम अब देखो, ऑप्टिक, थर्ड डिग्री के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी वजह से अटक गया। मेरी वजह से? इसके जिम्मेदार तुम हो। वैसे बताओ, ये ऑप्टिक है क्या? वो तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज होगा। हाँ।
ताई तुम्हारी कसम मैंने कुछ नहीं किया, मैं वोल्टेक्स के लिए काम करता हूँ, अगर तुमने सुना रहेगा तो। चुप बैठो। प्लीज एक बार कैप्टन पांडो को फोन कीजिए। तुम्हारे कैप्टन की यहाँ नहीं चलती। कौन हो तुम? पकड़ लिया ट्रॉइड का चमचा। मैंग से नफरत है, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने मुझे जेल से छुड़ाया, नहीं तो जेल में चक्की पिसता। मुझे जेल से छुड़ाने के लिए शुक्रिया मिस्टर वर्टेक्स। मेरा नाम है वर्टेक्स। क्या तुम मेरे साथ काम करोगे मिस्टर वर्टेक्स? तुम्हारा मतलब तुम मेरे लिए काम करोगे? हाँ क्यों नहीं बॉस। मैं हूँ एक किसाचु। तुम चाहे कितने भी तेज हो तबला बजा के, लेकिन तुम किसाचु नहीं बन सकते क्योंकि तुम इस ट्राइब के नहीं हो, समझ गए कच्चा? पर मुझे मेरा ट्राइब नहीं पता। वही तो। मैक्रो, मैं तुम्हारी पहचान हमारे नए टीम लीडर से करवाना चाहूंगा। हाय टीम लीडर, मैं हूँ मैक्रो। ऑफ कोर्स तुम्हें याद है मैंग्स। नहीं नहीं हो सकता, ये तो पुलिस वाली है, पुलिस वाले हमारे दुश्मन होते हैं ना बाबा। और तुम ये बाबा वो बाबा बोलने वाले अनपढ़ हो, समझ गए बाबा? एक टीम लीडर के नाते ये जरूर अच्छा काम करेगी क्योंकि इसका अनुभव हमारे लिए फायदेमंद है। आप जैसा कहे बॉस। मैंग्स चालाक कुमड़ी। मैंग्स किजासु, मैं किजासु नहीं हूँ, मैं मेरा ट्राइब मुझे नहीं पता। ट्राइब का पता नहीं, यानी ये मुझे तुमने ये पहले क्यों नहीं बताया? ये झूठ है, शायद सच है। मैंने पूछा नहीं। मुझे तुमसे नफरत है स्पिन। ये क्या है, क्या हो रहा है यहाँ? तुम मेरे साथ चलोगे अभी? कोई तो मुझे भी छोड़ो। तुम शांत रहोगे? है तो मुझे अकेले छोड़ के नहीं जा सकते रे बाबा। सुनो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ पागल। सब के सब घन चक्कर आई है। अब ठीक? वाह वाह क्या लगता है रे, जो मुझको चाहिए था अब मेरे हाथ में लगेगा। बहुत ही बढ़िया। गुड बाय जोगिन शॉ। तुम ये नहीं हो सकते, हो सकते हो, वास्तव में तुम हो सकते हो पर नहीं हो सकते। फिर मैं कौन हो सकता हूँ? तुम इनमें अलग हो, बहुत अलग, तुम किसी ट्राइब के नहीं हो। आप टिनी जैसे बात कर रहे हो और आप अच्छी तरह जानते हो कि मैं किजासु हूँ। क्या तुम सच में पुलिस वाले हो? अब तुम तैयार हो जाओ। तैयार? वो किस लिए? एक खोज के लिए। आप जानते हो मैं कौन हूँ? क्या कोई सच में किसी को जान सकता है? कोई भी नहीं। क्या तुम जानते हो? क्या तुम जानते हो? मैं अकेला यहाँ पर हूँ। क्या कोई जानता है? किसने हमारा ऑप्टिक चुराया? किसने? बॉच, बॉच के पास ऑप्टिक है। इतने में क्या जल्दी है?
इसे पार करना यानी मौत को दावत देना है। ये मुझे जलाएगा रे बाबा। जल के खीमा बन जाएगा। बहुत अच्छे रे बाबा। आया था मुझको जलाने, जलाने वाले खुद ही जलते हैं। चल हट जा। मुझे पता है कि आपको हिंसा बिल्कुल पसंद नहीं, पर मैं मदद कर सकता हूँ। बोलो मंजूर है? उसको अच्छा सबक सिखाओ। बड़े आराम से। अरे ब्रेक लेके जरा ब्रेकफास्ट करो ना। देखो ऑप्टिक। हाँ टेंशन नॉट। कोई चिंता नहीं, अब ये मेरे पास है। भागो! मेट्रो, वापस आओ, अभी के अभी। कौन हो तुम? तुमने यहाँ पाँव रखकर हमारी भूमि अपवित्र कर दी है, इसकी सजा मिलेगी। मेरे लिए रुक जाओ। पॉन्च, वो ऑप्टिक मेरे हवाले कर दो, तुम्हारा खेल खत्म। अभी नहीं, तुम्हारे पास कुछ सेकंड्स बचे हैं इस पूरी जगह को बचाने के लिए। क्या किया तुमने? मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, इसे निकालने से पावर ओवरलोड हो जाएगी और सबकी बत्ती गुल। ये पागलपन है, तुम ये नहीं कर सकते। ये आवाज कैसी, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी तो अब वाट लगेगी, पूरी की पूरी वाट। तू हीरो नहीं जीरो बनेगा। जीरो ऑप्टिक को बचाएगा या इस जगह को बचाएगा, बोलना भी। ओह नो, अगर ये फट गया तो हमारे इस प्रार्थना स्थल के साथ कुछ नहीं बचेगा। इस टैंपर की पावर ओवरलोड हो गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। एक तरकीब है, मेरी पावर ड्रेन कीजिए। क्या? पर क्यों? बाद में समझाऊंगा, पहले ड्रेन कीजिए। हे ऊपर वाले, इसका कल्याण हो। ये कैसे हुआ? सारी ओवरलोड पावर मैं अब्सॉर्ब कर रहा हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। सोंगेशा, मुझे मत पकड़ो। क्या वो हमारा पीछा कर रहे हैं? नहीं कर सकते, वो उस जगह से कभी नहीं निकलते। नहीं निकलते ना? हे, इसका मतलब ये हुआ कि बॉस कैप्टन बन जाएगा और मैं बनूंगा उसका साइडकिक। शायद तुम भी हो सकती हो साइडकिक। जो भी है। क्या कहा कैप्टन? अब हम ब्रैड के हर बॉस के लिए काम करेंगे। तुम्हारा मतलब इंट्रोइड बॉसेस के लिए? इस रास्ते आओ जेंटलमैन, इस रास्ते, हमें आपका स्वागत करना है। हे, हमें तो बाहर ही छोड़ दिया। ये मेरे दोस्तों, कैसे चल रहा है सब? कैप्टन, क्या बात है, तुम बनोगे कैप्टन और मैं बनूंगा साइडकिक। हो गया तुम्हारा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो गद्दार? आगे आगे देखो, होता है क्या, अब पार्टी होगी, अब बॉस का काम तमाम। मैक्स, मैक्रो, आजा और बचे हुए ट्रायड साफ कर दो जल्दी। भागो रे बाबा। मुझे विश्वास है तुमने जो कुछ लाया है वो मेरा है। कोई प्रॉब्लम नहीं बॉस, ये ले लो। खुश हुआ। मेरा प्लान बोले तो यही था, वो सब आपको ही देना था।
ऑप्टिक हाथ से निकल गया, मैं फेल हो गया। तुमने हमारी पवित्र भूमि बचा दी है स्पिन। अब बताइए आप मेरे बारे में क्या जानती हैं? मेरे पास जानकारी है, पर ऑप्टिक के बिना कोई पढ़ नहीं सकता, यहाँ तक कि मैं भी नहीं। मैं आपको ऑप्टिक वापस लाऊंगा। तुम महान काम करोगे स्पिन, और ये बताने के लिए मुझे ऑप्टिक की जरूरत नहीं है। स्पिन, क्या तुम सुन रहे हो? तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक क्यों नहीं रहूंगा। तो तुम मेरी चिंता कर रही थी। हाँ, तुम जल्दी हेडक्वार्टर में वापस आ जाओ, समझ गए? हे, तुम कैप्टन जैसे बात क्यों कर रही हो? क्या सच में? मेरा मतलब जल्दी वापस आओ अभी। यस सर कैप्टन। मेरा मतलब मिस पेनी। लगता है तुम्हें शॉक लग गया है। तो मिस्टर पेनी बुलाओ। जानते हो ना मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। तुम महान काम करोगे स्पिन, बहुत बहुत महान। Boy, please click to subscribe. Don't forget to hit the bell icon to get updates on new videos.